नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ मुबारकपुर सठिया ब्लॉक के नेठी गांव में रविवार को दुर्गा मंदिर का 3वां वार्षिक उत्सव में अखंड रामायण पाठ के बाद भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। अखंड रामायण पाठ के समापन के उपरांत भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के आसपास के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारा देर रात तक चलता रहा। उत्सव के चलते देवी प्रतिमा को आकर्षक तरीके से सजाया गया था। सुबह मंदिर में दुर्गा देवी का विशेष श्रृंगार किया गया। मंदिर में खास पूजा व आरती हुई। दुर्गा मंदिर की स्थापना सन 2017 में किया गया था। तब से लेकर अभी तक लगातार 21 फरवरी के दिन विधि विधान से अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जाता है, जो अभी तक निर्बाध रूप से चला आ रहा है। दोपहर को मंदिर प्रांगण में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। ये आयोजन देर शाम तक चलता रहा। तत्पश्चात वार्षिक उत्सव पर की रात मंदिर प्रांगण में देवी जागरण व प्रवचनों का आयोजन किया गया था। गीतकार अरुण सिंह के गीतों से भक्त देवी गीतों पर झूमते रहे। वहीं प्रवचनकर्ता देवेश जी और रूपचंद के प्रवचनों से श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि दुर्गा मंदिर का 3वां वार्षिक उत्सव जन सहयोग से धूमधाम से मनाया गया है। इस दौरान ग्राम प्रधान देवेंद्र सिंह, भगवती सिंह, विनोद श्रीवास्तव, अवनीश सिंह, प्रभुनाथ सिंह, धीरेंद्र सिंह, सोनू श्रीवास्तव, जितेंद्र कुमार सोनकर, समाज सेवी डिंपल आदि सेवा भाव से सहयोग में लगे रहे। न्यूज 9 भारत के लिए अमित तिवारी की खास रिपोर्ट। Oh, 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 oh